वेलकम बैक टू अ चैनल गाइज। आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। एक और नई वीडियो में हम लोग आप लोगों को वापसी लेके आ चुके हैं कृष्णा कार श्रृंगार में। नया महीना स्टार्ट हो चुका है और धमाका जो है वो आप लोगों के लिए एक नंबर का हम लोग हमेशा करके लेके आते हैं। अभी तक की जितनी भी ब्रांड न्यू होंडा सिटी हो या फिर आप लोगों की ओल्ड होंडा सिटी हो, चाहे दूसरी जनरेशन हो, तीसरी जनरेशन हो, हर दूसरे को तीसरे में भी कन्वर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल चौथे को नाम के उसके तरीके से मॉडिफाई भी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। अभी ये नई गाड़ी है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कितनी नई है। पहले ये दिखाता हूँ तुम लोगों को। दिस इज द ब्रांड न्यू एंड दिस इज फ्रॉम ग्वालियर। ठीक है भाई, ग्वालियर से आई है, टेम्पररी नंबर पे आई थी, मिट गया बारिश वारिश की वजह से। हाँ, और पीछे तो नंबर ही नहीं है, समझ लो बारिश है तो कपड़ा तो वो कागज तो गीला हो जाता है ना। अब मैं आप लोगों को एक कमाल की चीज दिखाता हूँ। इस गाड़ी में हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। ये कितनी ब्रांड न्यू है वो आप लोग इसकी पन्नी से देख सकते हो, जो स्क्रीन में लगी है, जो पन्नियां, इसके गत्ते अभी ओपन होके गए। तो सूरज भैया, कस्टमर क्या चाहते थे पहले ये बताओ भाई। भैया का मतलब उनकी गाड़ी ओनली ग्वालियर सिटी में चलनी थी, तो उन्होंने एक्स्ट्रा वर्क नहीं, ओनली गाड़ी का इंटीरियर ही करना था, मतलब सीट कवर के साथ काम करना ओनली। ठीक है, मैंने उनको डैम्पिंग्स बताई है, एलईडी लाइट्स बताई है, बट वो उन्होंने मेरे को बोला भाई मेरी इतनी रनिंग नहीं है, ये ओनली शो पीस के लिए मैंने गाड़ी ली है, कि फैमिली में किसी को प्यारी लग रही थी गाड़ी तो ये हमने उनके लिए लिया। ठीक है, तो जैसा इसमें, भी है इसमें वैसा। मोटा मोटा ये बताओ, इसका डोर पैड हम तैयार कर रहे हैं। मैं आपको आइटम्स बता देता हूँ। एक तो देखिए, हम फ्लोरिंग कर रहे हैं भाई। अच्छा, इसी कलर की? इसी कलर की? हाँ, वो भैया ने बोला, हम ब्लैक भी कर रहे थे, उन्होंने बोला नहीं मेरे को जो इंटीरियर उस कलर से आप रिकमेंड करोगे, ब्लैक कलर ही ज्यादा अच्छा लगता है। गंदा भी कम होता है, गंदा भी कम होगा और प्लस नाम के उसकी लुक भी अच्छी बनती है। क्या पता भाई अलग निकल के आ जाए कुछ। बिल्कुल हाँ, ये भी है। ठीक है भाई, ये फ्लोरिंग हो गई पहले, और बताओ। उसके बाद मैट लगेंगे। ठीक है, सीट कवर, स्टेयरिंग रैप, साइड्स के पैनल, ठीक है, फ्रंट का जो डैशबोर्ड का पोर्शन होता है, और इधर गियर के पास दो जो पार्ट्स होते हैं वो हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट इंटीरियर कर रहे हैं। अच्छा ठीक है भाई, एक चीज बताओ, पेंटिंग से रिलेटेड अगर कोई जानना चाहता है, जैसे कि क्या होता है, अवेलेबल कराते हैं कि नहीं? अभी मैं आपको बताता हूँ। हाँ, जैसे कि ये गाड़ी है, ठीक है, इसके अंदर दो पोर्शन है, अभी गत्ता आता तो मैं दिखाता हूँ आपको डोर पैड पे। आप ऐसे समझा दो जैसे कई लोग बोलेंगे मेरे को इसको पेंट कराना है, जो पीस निकाल हाइड्रो डिपिंग। हाँ, जो चीज, जैसे कि अभी एक हमने वीडियो करी थी, वो गाड़ी बिजनौर से आई थी, UP 20। तो उस दिन तो भैया ने नहीं कराया, उनके पास टाइम नहीं था, तो अगले दिन मेरे पास आए, उन्होंने पूरा का पूरे दरवाजे है ना, पूरा इंटीरियर ही बदल दिया था। ओके, कि उन्होंने बोला जो दरवाजे पे कपड़ा तो आपने लगाया भाई, जो हमारी बिहार से गाड़ी आई थी दो, वो भी उसमें तो हमने आउटर भी किया था, पूरा किया था। तो आप लोगों का देखिए, जो आप बोलेंगे, जो आपको पसंद है, अगर हम वो ना करें तो हमारा काम करना बेकार हो जाएगा ना। आपकी च्वाइस, आपका रेट, आपकी पसंद, ठीक है, वो हम वर्किंग जिस दिल्ली के अंदर, जिस कपड़े के अंदर, जिस प्राइस के अंदर हम काम करते हैं ना, कोई नहीं कर सकता भाई। तो भाई हम, आप जब सामने आओगे, नाम पे मत जाना। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, आज के टाइम पे एसेसरी स्टोर खोलना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये है, जो लड़का मेरे पास काम कर रहा है आज, वही यहाँ पर किराए की दुकानें बहुत मिल रही है किराए पे। ठीक है, वो जो बंदा जाता है किराए पे नाम के खोल लेता है, उसको अब पता है कि एक सामान ऐसे लगना, पर दुकान खोलना बहुत आसान है, लेकिन उसको चलाना बहुत मुश्किल है, और कमिटमेंट देना लोगों को बहुत बड़ी। हमने कई बार दिखाया वहाँ पे, एक महाकाल करके एक शॉप होती थी, अब वो देखो महाकाल जी हट गए, तो वो केरला से आए थे, उन्होंने शॉप खोली थी, 1,75,000 रुपए रेंट पर महीने का, 1,75,000 रेंट देते थे वो, बट वो इतना जल्दी सक्सेस होना भैया इतना आसान नहीं है, टाइम लगता है, मेहनत लगती है। हम किसी चीज को वर्क करते हैं, अगर वो सक्सेस होता है तभी तो हम सक्सेस होते हैं। ठीक है भाई, तो इसमें वर्किंग जो है वो अभी हम लोग चलने देते हैं, अंदर चल के आप लोगों को मैं इसका कपड़े वपड़े सबके बारे में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले एक वर्किंग अभी चल रही है, क्योंकि इसके अभी अब सीट कवर की फिटिंग देखो, डिजाइन हमने इसमें OEM रखा और कुछ नहीं रखा। अच्छा, ये कलर कौन सा है भाई, कॉम्बिनेशन क्या बनाया सर? ये टैन में आप लाइट कलर का ऑरेंज बोल सकते हो, लाइट ऑरेंज। अब ये ब्लैक कलर देखो, कुछ लोग इसको ये भी बोलेंगे कि भैया ये टैनी कलर है, क्योंकि दूर से देखने में टैनी लगता है भैया, दिस इज लाइक अ लाइट टैन। ठीक है, लाइट टैन। और एक चीज आप ये देख सकते हो, ये क्रीम, ये टैन तो देख लिया आपने, ब्लैक का MM देखो, ये लेमिनेशन है, ये सोफा प्रीमियम में हमने काम किया है। और बिल्कुल इसके पीछे जो हमारा ये लगा, ये भी बताओ थोड़ा सा। ये यूफोम होता है, जो सबसे हैवी होता है, हाई डेंसिटी, जो 28 डेंसिटी का होता है, इसमें 18 डेंसिटी, 20 मतलब 18 डेंसिटी, 23 डेंसिटी, 28।
तो हम 28 वाला काम करते हैं ताकि वो बैठने में है ना लूज होके ऊपर खाबर ना लगे। एयरबैग्स वाली चीज बिल्कुल वर्किंग सही सर, बिल्कुल देखो कंपनी ने यहाँ से देखो ये चैन लगा के देती है, यहाँ से उन्होंने कोई खाली तो नहीं छोड़ा था जैसे आजकल पब्लिक करती है, यहाँ से खाली छोड़ देती है तो लगता है जी एयरबैग वाला सीट कवर हो गया, ऐसा नहीं होता। ये चैन इसीलिए लगाया जाता है कि खुदा ना खास्ता कभी कुछ हो तो ये यहाँ से जो फटता है ना प्रॉपर तो इतना प्रेशर से फटता है, जब वो प्लास्टिक फाड़ सकता है तो ये तो नॉर्मल चीज है। सही बात है भाई, ठीक है वर्किंग हम चलने देते हैं, बाकी अंदर बैठ के सूरज भैया आप लोगों को सीट कवर के बारे में और समझाएंगे, अच्छे से समझाएंगे कि कैसे क्या आप लोग वर्किंग करा सकते हैं। हम लोग आ चुके हैं स्टोर के अंदर अगेन। होंडा सिटी आप लोगों को लगती होगी केवल इंटीरियर के लिए आती है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और आज है ना हम खाली इंटीरियर की बात करेंगे, बिल्कुल हम हर वीडियो के अंदर नहीं भाई ये नहीं, ऐसे नहीं खाली नहीं बात कर सकते, मैं उसका रीजन बताता हूँ। ये होंडा सिटी जो है ये आप लोगों को बहुत सारी चीजों के साथ में अवेलेबिलिटी, 50 चीजें लगती है इसके अंदर आप कराने के लिए। चलो मैं बोल रहा था इंटीरियर के लिए नहीं, लेकिन आप बता दो मेरे को शॉर्ट के लिए बता देता हूँ। आप प्रीमियम से प्रीमियम एंड्रॉइड स्टीरियो ठीक है भाई। हेडलैम्प में तो आई गेस इसका चेंज नहीं होता है, क्या चीज हेडलाइट की, इसकी बेस मॉडल बिल्कुल चाहिए, बेस मॉडल थोड़ा है बिल्कुल नहीं, टॉप मॉडल से नीचे वाले जितने मॉडल है सब में एलईडी लगती है। और इस गाड़ी में एक हर गाड़ी को छोड़ के एक मारुति की गाड़ी हो गई, एक ये गाड़ी हो गई, इनमें हर बंदा 100% एलईडी लगाते ही लगाते क्योंकि लाइट होती नहीं है बिल्कुल, क्योंकि लाइट बहुत डिम होती है, लाइट ही नहीं होती। ठीक है भाई, ऑडियो का सॉल्यूशन आपको कृष्णा कार श्रृंगार में बेस्ट मिल जाएगा, सबवूफर से रिलेटेड ये आप लोगों के कंपोनेंट्स और कोएक्सल्स का कॉम्बो अवेलेबल कराते हैं। वो भी है ना एक ब्रांड नहीं, जैसे कि अब मैं गिनवाऊंगा ना जीएल ऑडियो, मॉरेल, रेनबो, इन्फिनिटी, स्टैग, रॉकफोर्ड, डीडी, एवटार, डीबी, ड्रीवो, जेबीएल, पायनियर, नाम लो और हम तैयार करते हैं भैया। नाम बोलो एल्पाइन, कौन सा ब्रांड चाहिए आपको, सब अवेलेबल होता है हमारे पास। ठीक है भाई, इसी के साथ में अगर सबवूफर का शौक रखते हो, थोड़ा बजट कम चाहिए तो ये बेस ट्यूब्स का ऑप्शन है। कि मतलब आपको जो एम्प इनबिल्ट वाला चलता है वो भी है ये रहा, उसके बाद एम्पलीफायर के अंदर जैसे कि ब्रांड के अंदर जर्मन इंजीनियरिंग के अंदर ग्राउंड जीरो, वर्ल्डटेक, ब्रांड के अंदर आपका पाइनियर, सोनी, हर एक चीज मिलेगी। ठीक है भाई, इसी के साथ में आप लोगों को एमिन लाइट्स की चॉइस भी यहाँ पर मिल जाती है, हॉर्न्स की चॉइस भी मिल जाएगी, कैमरेज की भी चॉइस मिल जाएगी, तो आपका पर्सनल ओपिनियन रहेगा कि कैसे क्या वर्किंग आप जैसा आप कराना चाहो। चलो अब मेन चीज पे आते हैं। ठीक है, सीट कवर। ठीक है भाई, अब देखो भाई पहले ये बताओ इसके बेसिक सीट कवर कितने रुपए से लग जाएंगे, क्योंकि 5000 रुपए के लग जाएंगे। अब इस गाड़ी में क्या वर्किंग कर रहे हो ये समझा दो। इस गाड़ी के अंदर हम सोफा प्रीमियम कर रहे हैं, तो इसमें कपड़ा जैसे जो गत्तों में कौन सा कपड़ा लगेगा, वो जो सोफा प्रीमियम का ही जो पसंद तो वो गया कपड़ा इतना मोटा तो नहीं होता है कि कहीं निकल जाएगा। नहीं, नहीं, तो वही तो हमने पसंद ही वही कराया है कि जो डोर पैड्स पे और डैशबोर्ड पे सक्सेस रहे। ठीक है, क्योंकि मैं अगर इतना मोटा लगा दूंगा तो वो सबसे पहले तो चिपकेगा नहीं, अगर मैं एल्फी से चिपका दूंगा तो दरवाजे खराब होने और उसको निकलना है फिर भी, तो ऐसा काम मत करो ना कि काम करके दो और उसके बाद उसकी कंप्लेंट आई तो उसके अंदर हमारा लेवल मतलब दुकान की बेइज्जती हम नहीं चाहते हाथ जोड़ के, इसलिए हम पहले आपको बताएंगे। OEM डिजाइन्स तो आपके पास अवेलेबल है ही, हम लोग और भी ऑप्शन डिजाइन्स तो आप ये देखो अभी इसके ये कृष्णा भैया जैसे बताते हैं ना, कहते हैं ये 25 साल हमारी पुरानी कैटलॉग है और ये आप लोगों को हम डिजाइन भी दिखाते हैं, आज के अकॉर्डिंग है बिल्कुल। ये 8, 8, 16 हो गए। ठीक है, ये 8, इसके सिवा और कुछ है ही नहीं। इसके बाद मेरे पास 60-70 डिजाइन एक्स्ट्रा, और प्लस अपनी जब मैन्युफैक्चरिंग है ना तो सबसे बड़ा नाम क्या है, कलाकारी। और सबसे अच्छी चीज़ ये है जब मैन्युफैक्चरिंग मेरी होती है ना, आप ये बोलो आप अपना डिज़ाइन ले आओ, वो हम रेडी करके देते हैं आपको। परफेक्ट है, ठीक है भाई, तो इस गाड़ी की वर्किंग चलने देते हैं फिर आप लोगों से वो बातें शेयर करते हैं। तो अब हम लोग आ चुके हैं हमारे फाइनल आउटपुट की तरफ में। हमारे पास आज गाड़ी आई हुई थी ग्वालियर से, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू कार थी जिसमें आज हम लोगों ने वर्किंग करी है। अगेन आप लोगों को होंडा सिटी के बहुत सारे सॉल्यूशन हम अवेलेबल कराते हैं, सो प्रेजेंटिंग यू ऑल एक डिफरेंट लेवल का इंटीरियर आप सब लोगों के लिए। सो ये गाड़ी का लुक बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, इसमें जो है आप लोगों को थोड़ा सा कह सकते हो कपड़े वाला लुक पहले मिलता था, लेकिन भैया ने एक कलर चूज़ किया जिसको आप लोग टैन बोल सकते हो, कैमरे के अंदर ये टैन लगता है लेकिन दिस इज़ अ लाइट ऑरेंज टाइप का थोड़ा शेड आप लोग देख सकते हो। इसमें हम लोगों ने यहाँ पर सॉफ्ट टच दिया है, यहाँ पर फुल स्टिचिंग हम लोगों ने अवेलेबल कराई है, एंड द क्वालिटी लुक्स रियली रियली वेरी प्रॉमिसिंग, और आप लोगों को देख के भी मज़ा आ रहा होगा। इस गाड़ी में जो मैटिंग वाली वर्किंग है वो आप देख लो, इसमें हम लोगों ने ATM लाइट्स की भी वर्किंग कर दी है। इसी के साथ में जो गाड़ी के सीट कवर्स है दैट लुक्स रियली वेरी वेरी नाइस भाई, देखो आप लोग, आप अपने आप देखोगे आप लोगों को कनेक्शन बनेगा। आर्मरेस्ट भी अगर आप देखोगे ये पूरा जो है ना आपका
लाइट ऑरेंज या टैन कलर वाले, उसमें हमने ब्लैक के साथ में मिक्सचर इसका दिया। इसके रियर में भी आपको ब्लैक देखने को मिलेगा, स्टिचिंग भी हमने यहाँ पर कलर वाली जो है यही रखी है। बाकी इसका भी लुक आप लोग जो है ज़रूर चेकआउट करो। इसी के साथ में आपके डैशबोर्ड में हमने एक एसेंस दिया है दैट लुक्स रियली वेरी नाइस भाई, बहुत बढ़िया लग रही है गाड़ी देखने में। और भाई ओवरऑल अगर आप गाड़ी के लुक के बारे में बात करोगे तो बहुत ज़बरदस्त है। ये आप लोगों का मून डिज़ाइन का स्टेयरिंग व्हील जो है वो हम लोगों ने तैयार किया है। साथ में आप लोग अगर देखोगे आपके सेंटर कंसोल के नीचे के वाले जो पार्ट्स है, इसको भी हम लोगों ने जो है इसमें पूरे कपड़े वाला ट्रीटमेंट किया है और इसमें हम लोगों ने स्टिचिंग वाला लुक दिया है। कैसा लग रहा है ज़रूर बताना, मिस ना कर जाए। उससे आपको बता देता हूँ, हमने इस गाड़ी में हॉर्न भी लगाया, बजाइए भाई। तो ये आपका क्रेटा टाइप हॉर्न है और क्वालिटी कैसी है ज़रूर बताना। एंड दिस इज़ हाउ द कार लुक्स लाइक। ठीक है भाई, इसके हेडरेस्ट से लेके इसके नीचे के सपोर्ट तक जो है सब चीज़ें परफेक्टली आप लोगों को जो है डन इस गाड़ी के अंदर में मिल जाती है। अब चलते हैं गाड़ी के रियर के लुक की तरफ में। ये गाड़ी जो है इट्स अ वेल नोन आप लोगों की सिडान कार है, तो सिडान में लोग पीछे बैठने का शौक रखते हैं, तो पीछे वालों के लिए भी हम लोग डिसअपॉइंट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर आप लोगों को जो है फुल पीछे भी जो है कपड़े की वर्किंग देखने को मिल जाएगी। ये जो आपकी स्टिचिंग है ये बहुत ही अच्छी है। रियर से अगर आप लोग देखते हैं, आप लोग अपना देख सकते हो भाई, एक सीट कवर जो है ना वो आपकी गाड़ी को रिच लुक दे रहा है, साथ ही साथ में ATM लाइट जो है वो बहुत ही अच्छी लग रही है। और ये है आप लोगों का आर्मरेस्ट, तो ज़रूर अपना ओपिनियन दीजिएगा कि आप लोगों को जो है ये गाड़ी का इंटीरियर कैसा लगा है। और अगर आप लोग एक कहते हैं ना कि भाई इंटीरियर से रिलेटेड सॉल्यूशन ढूंढ रहे, तो कृष्णा कार श्रृंगार आप लोगों को बेस्ट सॉल्यूशन देता है। बाकी जिन भैया की ये गाड़ी है उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो आज हमारे साथ जो है अंकल जी जुड़ चुके हैं। अंकल जी एक बार पहले अपना नाम बताओ आप। कविंदर तिवारी। ठीक है, एक बार माइक अंकल ने ऐसे पकड़ा, मैं पकड़ के बोलता हूं। अंकल एक बार नाम बताओ अपना। कविंदर तिवारी। ठीक है भाई, तो आप लोग जो कृष्णा कार पूरा देखते हो भाई, सब कुछ कृष्णा सूरज सब अपनी जगह है, सारी वर्किंग अंकल करते हैं और ये हमारी पूरी टीम भी बोली है, नहीं है भाई ऐसा? ठीक है भाई, जितनी हमारी टीम है सबके सब ये लोग बताएंगे कि सारी जो वर्किंग होती है वो सारी अंकल करके देते हैं। बाकी हमारे साथ कस्टमर जुड़े हुए हैं, सर एक बार अपना नाम बता दीजिए। आकाश जैन ग्वालियर। आकाश जैन जी हमारे साथ आए हुए ग्वालियर से। सर कितने किलोमीटर दूर से आए सर? लगभग 300 जी। ठीक है, मतलब 300-600 हो गया। पहले भैया 3000 बोलने वाले थे, मैं बोल रहा 3000 भी, 3000 से भी हमें प्यार आता है, ऐसा हमें प्यार आता है। भैया कैसा लगा काम पहले? बहुत शानदार भैया, मजा आ गया। मतलब जो हम लोग वीडियो में दिखाते हैं वही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? शोरूम से गाड़ी तो मुझे दी है, लेकिन जान आपने डाली गाड़ी में, जान हमने डाल दिया। चलो भाई, और हम जो बोलते हैं अंकल, बुलबुल का बच्चा। बिल्कुल, बुलबुल का बच्चा बनाया गाड़ी है ना, बुलबुल का बच्चा बना के जो है आप लोगों को हम लोगों ने अवेलेबल करा दिया है। यहाँ पर आप लोग आओगे तो भाई भी आपको असिस्ट कर रहे हैं, मोनू भी यहाँ पर असिस्ट कर रहा है, ये भी हमारे असिस्ट कर रहे हैं, तो ये हमारी टीम है, पूरी टीम। 2018 से आप सेम शक्लें देख रहे हो, हम लोग वर्किंग आपको करके देते हैं। बाकी जैन साहब एक चीज़ और बताओ कि जैसे कोई ग्वालियर से आ रहा है, आगरा से आ रहा है, तो यहाँ पर आना वर्थ है कि नहीं है? वर्थ है भैया, और मतलब ऐसा लगता है ना कि यार जो हो रहा है सही हो रहा है, हमारे साथ हो रहा है, आंखों के आगे हो रहा है। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। तो कृष्णा काम बढ़िया होता है यहाँ पे, आंखों के आगे हो रहा है, जो हमने बोला है वो डला है। ठीक है भाई, हमारी तो जितनी घर की गाड़ियाँ है वो सब यहीं आनी है, अब आपकी घर की गाड़ियाँ भी यहीं पर भी आएंगी। ठीक है भाई, तो यही प्यार मोहब्बत आपने बना के रखना है, आप लोग है तो हमारा कृष्णा कार श्रृंगार है, प्यार मोहब्बत फुल बना के रखो। मिलेंगे आप लोगों से एक और नई वीडियो के साथ। जितने भी लोग आ रहे करौल बाग में, भाई हमारे स्टोर का नाम है कृष्णा कार श्रृंगार, अब्दुल अजीज रोड में है, 7 डेज ओपन है, मुसाफिर है, शॉर्ट जगह है, कभी भी आओगे और कोई बोलेगा ना मेरी गाड़ी की वीडियो बननी चाहिए, आप अंकल को बता देना 100% आपकी गाड़ी की वीडियो बनेगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड एक बार ऐसे कर दीजिए भैया, बाय बाय।